सब्सक्राइब कीजिए टेक मास्टर मुंशी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक मास्टर मुंशी यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी समय से मेरे पास OTG पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा OTG पर एक सेपरेट वीडियो बना देना चाहिए। हालांकि OTG के बारे में मैं आपको 28 अप्रैल 2018 के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, इसलिए कुछ लोगों को ठीक से समझ नहीं आया। इसके अलावा जो लोग बाद में इस चैनल से जुड़े, उनकी रिक्वेस्ट भी लगातार आती रही है। तो चलिए, आप सबकी रिक्वेस्ट पर पेश एक खिदमत है, सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro OTG सपोर्ट का ये खास एपिसोड। गैलेक्सी C9 Pro में OTG सपोर्ट को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं, उनका जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं टेक मास्टर मुंशी। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यो, टेक मास्टर मुंशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गैलेक्सी C9 Pro OTG को सपोर्ट करता है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ लोगों के मैसेजेज आते हैं जो ये पूछते हैं कि ओरियो अपडेट में OTG का सपोर्ट मिला या नहीं। तो दोस्तों, गैलेक्सी C9 Pro तो ओरियो अपडेट मिलने से पहले ही OTG को सपोर्ट करता था और अब भी करता है। खैर, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहली एक OTG केबल और दूसरी पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। अब मैं अपने दूसरे फ़ोन में टाइमर लगा देता हूं ताकि आप देख पाएं कि इस वीडियो में कोई भी कट या फिर कैमरा ट्रिक नहीं है। खैर, अब मैं OTG केबल को अपने C9 Pro से कनेक्ट कर देता हूं और फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड, ये दो ही स्टोरेज दिखा रहा है, लेकिन जब मैं अपना पेन ड्राइव लगाऊंगा तो एक और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ। तो ये लगाया मैंने पेन ड्राइव, और ये देखिए USB स्टोरेज 1 नाम से एक तीसरा ऑप्शन आ गया है, यही मेरा पेन ड्राइव है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो वैसे खास कुछ है नहीं इसमें, ये एक मूवी है, चलिए इसे प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूवी प्ले हो गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने एक्सटर्नल स्टोरेज को OTG केबल की मदद से अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं अब आपको यकीन हो गया होगा कि गैलेक्सी C9 Pro OTG को सपोर्ट करता है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि भाई, आपका फ़ोन तो OTG को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा फ़ोन क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब है, आपकी OTG केबल सपोर्टेबल नहीं है। मैं भी इससे पहले 8-10 OTG केबल खरीद कर देख चुका हूं, लेकिन लास्ट में जब इस केबल से ट्राई किया तो काम बन गया। तो मेरी सलाह यही है कि जब आप OTG केबल खरीदने जाएं तो अपने फ़ोन को साथ लेकर जाएं और वहीं दुकान पर ही केबल को फ़ोन से कनेक्ट करके देखें और वही केबल खरीदें जो आपका फ़ोन सपोर्ट करता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क को फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद 5-7 सेकंड तक इंतज़ार कीजिए, जब तक कि आपका फ़ोन उसे रीड ना कर ले, तभी वो फ़ोन में शो होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।